यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार छात्र काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज यानी कि 25 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे जारी किया जाएगा। खुद बोर्ड के सचिव देविकांत शुक्ला ने सोमवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। खबर यह है कि पहले 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जिसके कुछ समय के बाद 12वीं का रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल मिलाकर 58 लाख से अधिक स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 10वीं के 31 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और 12वीं के 27 लाख से ज्यादा स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हो पाए हैं। वहीं इस साल 4 लाख से अधिक स्टूडेंट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी से मार्च महीने में आयोजित की गई थी, जिसमें 10वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 3 मार्च तक और इंटर की परीक्षा 16 फरवरी से 4 मार्च तक चली थी। यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कुल मिलाकर 33% मार्क्स आने चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिकल और थ्योरी में भी अलग अलग पास होना अनिवार्य है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में मिले नंबर से संतुष्ट नहीं है तो वह स्क्रूटनी के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए यूपी बोर्ड अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा। आपको बता दें कि बीते साल यूपी बोर्ड के 10वीं का पासिंग परसेंटेज 80.18% था, लेकिन उम्मीद है कि इस बार पिछली बार से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।